यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जीआईबी सेबी और बैंक प्रमोशन सेंटर से हम लोग बात करें। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कलेक्टर ऑफिसर का क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम क्लर्क ऑफिसर के लिए हमारे पास कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, आपके नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, प्लस इंडी पीडीएफ नोट्स से क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3 जैसे क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये, 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, ए चेक विथ डेट कॉलम इज ब्लैंक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन क्लियरिंग। बोलता है चेक जहाँ पर डेट कॉलम ब्लैंक रखा गया है उसको प्रेजेंट किया जाता है पेमेंट करने के लिए क्लियरिंग में। ए ऑप्शन है पास द चेक, बी ऑप्शन है रिटर्न सिंस वन कॉलम इज ब्लैंक एंड इट इज इंजॉयड इंस्ट्रूमेंट एज पर सेक्शन 20 ऑफ NIAT। बोलता है और डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है पास द चेक विद गारंटी ऑफ अनदर अकाउंट होल्डर। पास कर सकते हैं चेक को जहाँ गारंटी लेगा दूसरे अकाउंट होल्डर। डी ऑप्शन है वी शैल फिल अप अनफिल्ड चेक विद सेम कलर ऑफ पेन एंड पास द चेक। हम उसे फिल कर अनफिल पोर्शन जो होता है चेक को फिल कर देंगे सेम कलर ऑफ पेन से और पास कर देंगे चेक का। तो चेक में क्या डेट कॉलम ब्लैंक रखा गया प्रेजेंट करने के समय क्लियरिंग। अब क्या होगा इस केस में, आपका रिटर्न हो जाएगा क्योंकि डेट नहीं है, तो आपको हमको क्या करना पड़ेगा रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक कॉलम ब्लैंक रह गया, इसलिए इनजॉइंट इंस्ट्रूमेंट हो गया। कानून क्या है, कानून है कि सेक्शन 20 ऑफ NIAT के तहत ये बताया गया, ठीक है। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, इफ चेक पेबल टू बेरर और ऑर्डर आर रिटन एंड नन ऑफ दीज आर डिलीटेड द चेक विल पेई पेड टू बेरर विदाउट ऑब्टेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ पेई द पेमेंट इन ऑर्डर। बोलता है अगर कोई पेबल है, चेक पेबल होगा बेरर को और ऑर्डर होगा रिटर्न होगा, चाहे इसमें किसी भी चीज का डिलीशन नहीं किया गया तो चेक को पे किया जाएगा बेरर को बिना कुछ ऑब्टेन किए हुए आइडेंटिटी पेई का पेमेंट इन ऑर्डर रहेगा। ए ऑप्शन हो जाएगा, नो बी ऑप्शन हो जाएगा, यस सी ऑप्शन हो जाएगा, ओनली इफ अलाउड बाय एन ऑफिसर, केवल ऑफिसर अलाउ कर सकता है, डी ऑप्शन नो इट इज इलीगल। सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेटेड 30/8/2023 इट इज मेड पेबल इट मेड पेबल 3 मंथ्स आफ्टर आफ्टर डेट द इंस्ट्रूमेंट इज एट मेच्योरिटी ऑन विदाउट कंसिडरिंग ग्रेस पीरियड। मतलब कोई नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट है जिसका तारीख डाला गया था 30/8/2023 और उसको पेबल किया गया 3 महीने उसके बाद, तो इंस्ट्रूमेंट जो होगा मेच्योरिटी कब होगा, ठीक है, और कंसिडरिंग पीरियड क्या होगा ग्रेस पीरियड इसमें, अच्छा कंसिडर नहीं किया जाएगा ग्रेस पीरियड इसमें। तो यहाँ पे देखिए ये 30/8 यानी 8 का मतलब है अगस्त है वो, ठीक है, अगस्त में 31 दिन होता है, ठीक है, अगस्त में 31 दिन होगा आपका, ठीक है, आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा। सितंबर में मगर आपको 30 डेज हो जाएगा, सितंबर में कितना होता है 30 दिन और अक्टूबर में आपका 31 डेज, ठीक है, अक्टूबर में 31 और नवंबर में हो जाएगा आपका 30 डेज और दिसंबर में हो जाएगा आपको 31 डेज। अब आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा सब चीज़, ठीक है, क्योंकि हमें 90 डेज होता है, महीना नहीं काम करता यहाँ पे, 90 डेज और 3 महीने बाद जमा किया था, ठीक है, सॉरी यहाँ 31 होता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे तो इसमें ग्रेस पीरियड क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 30/11/2023, बी ऑप्शन 32/12/2023, सी ऑप्शन 3/12/2023, डी ऑप्शन 4/12/2023। हमें 90 डेज देखना होता है, ठीक है, मंथ से हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें 90 डेज का क्लाउज इसमें लेके चलना होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, सही ऑप्शन हो जाएगा सी 3/12/2023, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ द डिपॉजिट अकाउंट इन द नेम वाई लोन अकाउंट इन द नेम एक्स एंड वाई वेदर The bank can exercise lien on securities in the name of Y for this loan. बोलता है कोई डिपॉजिट अकाउंट है, नाम है उस पर वाई का, लोन अकाउंट है एक्स और वाई दोनों के नाम पे, बैंक चाहती है लेन डालना सिक्योरिटीज वाई के नाम पे इस लोन पर। ए ऑप्शन ऐसा कर सकती है, ए ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन नो, सी ऑप्शन यस बट विद परमिशन फ्रॉम जेडो, बी ऑप्शन यस बट फ्रॉम दिस बैंक नीड कोर्ट ऑर्डर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसा बैंक बिल्कुल कर सकती है, जब लोन लिया है तो आप कर सकते हैं, एक्स और वाई दोनों के नाम पे है, इंडिविजुअल
लीन आप लगा सकते हैं, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ए चेक डेटेड 15/1/2023 ड्रॉन इन इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम द कम्स फॉर फॉर पेमेंट ऑफ ऑन 10/3/2023। यू कम टू नो डेट द ड्रॉअर ऑफ द चेक ड्रॉअर ऑफ द चेक हैज बिकम इनसॉल्वेंट ऑन 31/2023। अब क्या है कि चेक का तारीख जो है 5/15/2023 से इंडिविजुअल आता है पेमेंट करने के लिए, पेमेंट लेने के लिए। 10/10/2023 को आपको पता चलता है कि ड्रॉअर जो है, ठीक है, जो जिसने चेक बनाया है वो उसके पास पैसे नहीं, यानी इंसॉल्वेंट है। 31/31/2023 को पता चल चुका है। ए ऑप्शन क्या है कि वी शुड पास, इंसॉल्वेंट मतलब पैसा नहीं है, वी शुड पास द चेक, पास कर देंगे चेक को। सी ऑप्शन है वी शुड रिटर्न द चेक, चेक रिटर्न कर देंगे। सी ऑप्शन है शुड सीक परमिशन फ्रॉम जेडो बिफोर रिटर्न, जेडो का परमिशन लेंगे रिटर्न करने से पहले। डी ऑप्शन है शुड सीक परमिशन फ्रॉम जेडो बिफोर पासिंग द चेक, चेक को पास करने से पहले हम जेडो का परमिशन लेंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन है बी, जब वो इंसॉल्वेंट ही है यानी पैसा ही नहीं है, ऐसा ऑप्शन डिक्लेरेशन हो चुका है, तो आपको चेक रिटर्न कर देना होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, वेन द ड्रोअर ऑफ द चेक हैज बिकम इंसॉल्वेंट द चेक रिटर्न विद द रीजन। जब ड्रोअर जो होता है चेक का, अगर इंसॉल्वेंट बन गया यानी पैसे नहीं है, तो चेक रिटर्न कर दिया जाएगा ड्रोअर को, क्या रीजन के साथ। ए ऑप्शन है पेज टाइटल रिक्वायर्स कन्फर्मेशन, पेज टाइटल का कन्फर्मेशन चाहिए। बी ऑप्शन है रेफर्स द ड्रोअर। सी ऑप्शन है फंड इनसफिशियंट। डी ऑप्शन है ड्रोअर इंसॉल्वेंट है, ड्रोअर के पास पैसे नहीं है, ड्रोअर इंसॉल्वेंट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पेज टाइटल रिक्वायर कन्फर्मेशन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, ए चेक विथ ड्रोअर सिग्नेचर इन रेड इंक, डेट इन पर्पल इंक, अमाउंट इन वर्ड्स फिगर्स इन ग्रीन इंक, पे नेम इन ब्लूज इंक, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट फ्रॉम द चेक इट इज क्लियर डेट द हैंड राइटिंग ऑफ द डेट कॉलम, पेज नेम एंड अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स आर डिफरेंट, आर इन डिफरेंट हैंड राइटिंग। मतलब चेक जो होता है जहाँ ड्रॉअर का सिग्नेचर है वो रेड इंक में किया गया है और डेट पर्पल इंक में डाला गया है, ठीक है, और जो अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स है वो ग्रीन इंक में डाला गया है, पे का नाम जो है ब्लू इंक में डाला गया है और प्रेजेंट किया गया है पेमेंट के लिए। चेक में क्लियर है कि जहाँ पे हैंड राइटिंग पे डेट कॉलम, पे का नाम, अमाउंट इन वर्ड फिगर्स डिफरेंट दिख रहे हैं हैंड राइटिंग, सब क्या करेगा बैंक। ए ऑप्शन है पे द चेक, बी ऑप्शन है रिटर्न द चेक, सी ऑप्शन है रिटर्न द चेक विथ रीजन चेक इंजॉयड, डी ऑप्शन है रिटर्न द चेक विथ रीजन रेफर टू द ड्रॉअर, क्या करेंगे। देखिए आपको चेक को पे करना होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, हैंड राइटिंग अलग है ये कोई मैटर नहीं करता। चेक में 5 कलर से आपने चेक को लिखा, डेट का अलग कलर है, नाम का अलग कलर है, वर्ड का अलग कलर है, फिगर का अलग कलर लगा है, सिग्नेचर का अलग कलर है, उससे कोई मतलब नहीं, चेक पे होगा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, चेक विथ डेट कॉलम इज ब्लैंक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अक्रॉस द काउंटर, वेन इट इज पॉइंटेड आउट द पर्सन प्रेजेंटिंग द चेक ही बोरोज पेन फ्रॉम द काउंटर क्लर्क फिल द डेट एंड रिप्रेजेंट्स। बोलता है जो चेक होता है जहाँ डेट कॉलम ब्लैंक रह गया पेमेंट करने के लिए अक्रॉस काउंटर पे, तो पॉइंट किया गया पर्सन, जो पॉइंट किया पर्सन को कि उस चेक पे डेट नहीं है, उसने पेन लिया काउंटर क्लर्क से और उस पर डेट डाल के रिप्रेजेंट कर दिया, ये ऑप्शन है। रेफ्यूज पेमेंट स्टेटिंग ड्रोअर ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द डेट। बोलते हैं यहाँ पेमेंट मना कर देगा क्योंकि यहाँ पे ड्रोअर का ऑथेंटिकेशन चाहिए डेट को फिल करने के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। टू बी पास्ड सिंस एनी वन कैन फिल द फिल अप द बैंक, यहाँ बिल्कुल आप पास कर सकते हैं क्योंकि ब्लैंक जगह कोई फिल कर सकता है, सी ऑप्शन है। रिटर्न द चेक विथ रीजन इनकम्प्लीट चेक, अपडेट कर देंगे चेक को इनकम्प्लीट चेक बोल के, तो क्या होगा सही ऑप्शन। यहाँ देखिए चेक को पास करना पड़ेगा, भले आप डेट छूट गई, डेट ही कॉलम तो छूटा था, चेक को पास करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ब्लैंक छूट गया था, इसलिए कोई भी भर सकता है उस ब्लैंक को, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 9, इफ चेक डेटेड 26 जनवरी टू बी पेड, इफ जनवरी इज वर्किंग डे, चेक को प्रेजेंट किया 26 जनवरी को, जहां पे इसको पेड किया गया 25 जनवरी को, अगर यहाँ पे 25 जनवरी को पे करना था बट
अगर 25 जनवरी वर्किंग डे है तो ए ऑप्शन यस, बी ऑप्शन नो, सी ऑप्शन यस इफ गवर्नमेंट चेक, डी ऑप्शन यस इफ स्टाफ चेक, क्या करेंगे इस केस में? चेक का तारीख क्या? 26 जनवरी। आप पेमेंट कब ले रहे हो? 25 जनवरी। पेमेंट नहीं हो सकता ना, डेट तो कल का, तो आज का डेट का पेमेंट कैसे ले लेंगे? तो सही जवाब नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 10, लोन इज इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स इज ओवर ड्यू, एक्स हैज हैंडेड ओवर सर्टेन डिपॉजिट रिसिप्ट्स ऑन अनदर बैंक फॉर कलेक्शन, वेदर द बैंक कैन एक्सरसाइज लीन ऑन इंस्ट्रूमेंट सेंड फॉर कलेक्शंस। लोन जो है वो मिस्टर एक्स के नाम पर है और ओवर ड्यू है, लोन हैंड ओवर किया गया सर्टेन डिपॉजिट रिसिप्ट किसी दूसरे बैंक को कलेक्शन के लिए, जहां पे बैंक जो है एक्सरसाइज कर देगा लीन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जहां पे भेजा गया कलेक्शन के लिए। ये ऑप्शन है यस, बी ऑप्शन है नो, सी ऑप्शन है यस इफ अकाउंट इज अंडर स्ट्रेस, डी ऑप्शन है यस इफ अकाउंट इज एनपीएफ, क्या करेंगे? तो बोलते हैं लोन जो मिस्टर एक्स के नाम पे वो ओवरड्यू हो गया, एक्स ने हैंड ओवर किया सर्टेन डिपॉजिट रिसिप्ट दूसरे बैंक को कलेक्शन के लिए, जहां पे बैंक ने एक्सरसाइज किया लीन इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन करने के लिए। क्या बैंक यहाँ एक्सरसाइज कर, यहाँ सवाल सुनेगा, जमा दूसरे बैंक में कर रहे हो तो बैंक अब लीन एक्सरसाइज कर पाएगा कलेक्शन के लिए? नहीं, क्योंकि डिपॉजिट अगर आप ही के बैंक में तो आप कर सकते हैं, डिपॉजिट किसी दूसरे बैंक में तो आप नहीं कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली फॉर बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको ब्रेल लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा इंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में प्लस हिंदी पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbsfstudiometer.com, ईमेल आईडी जो 6793@gmail.com, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, थैंक यू वेरी मच।